मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको बस यूट्यूब पर क्लिक करना है और टाइप करना है SNDOLA, उसके बाद सर्च करनी है। और सर्च करने के बाद ये जो चैनल आया है इसको टॉप वाला आपको क्लिक करना है और ओपन करनी है। और ये देखिए ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसको सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, ये सब्सक्राइब हो चुका है। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आप ऑटो डेस्क स्केच का किस तरह से यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ऑटो डेस्क स्केच बुक जो भी है उसका आप यूज किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा ट्यूटोरियल किसी ने नहीं बनाया है, मैंने सोचा कि इस बारे में अगर मैं बना दूँ तो अगर काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ऑटो डेस्क का यूज़ सभी चाहते हैं कि मतलब ऑटो डेस्क का यूज हो और वो स्केचिंग वगैरह, वो बाल है या जो भी हो, मल्टीपल इफेक्ट, सब कुछ अच्छी तरह से हो। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज एक हिंदी ट्यूटोरियल में एक मैं वीडियो बना दूँ ऑटो बुक स्केच का, स्केच बुक प्रो का। जी हाँ, इसके लिए मैं ऐप डाउनलोड ओपन कर रहा हूँ और ऑटो डेस्क स्केच बुक डाउनलोड करनी है आपको। ऑटो डेस्क मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूँगा आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब कि फर्स्ट टाइम मैंने भी यूज किया था, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था। ये देखिए, ये जो सिंबल है, ये यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक करने के बाद ये बैक ऑप्शन और ये ऑप्शन आ जाता है। और ये लेयर्स का सिंबल है, आपको पता ही होगा, ये लेयर्स का सिंबल है। और ये कलर जो है, ये कलर का सिंबल है। और ये पेन जो है, इसमें हेयर, मतलब ये जो भी है, ये हेयर का, हेयर एडिटिंग के लिए ये सब पेन यूज किया जाता है, स्मूज और फाइन आर्ट, ये भी जो भी है, बहुत तरह के पेन टूल है इसमें। और ये सिलेक्शन टूल है, मतलब आप सिलेक्शन टूल, सिमेट्री, फिल, इम्पोर्ट इमेज, आप यहीं से कर सकते हैं, इमेज को यहीं से ला सकते हैं या तो एल्बम से, गैलरी से शेयर करके वैसे भी ला सकते हैं। और ये जो सिंबल है, ये जो बस ये ऑप्शन है कि मतलब ये स्टोर के लिए कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसके साथ प्लग इन करके जो भी हो, टेक्स्ट या जो भी। और ये जो सिंबल है, ये है बस आप जब एडिट कर रहे हो तो उसका फुल व्यू करेगा ये, इसको क्लिक करने के बाद। तो मैं पहले लेयर्स के बारे में बता दूं, लेयर्स के बारे में ये देखिए, ये लेयर्स का ऑप्शन है, ये प्लस का ऑप्शन है, ये देखिए प्लस हो रहा है और मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट करने के लिए ऐसे किया जाता है, डिलीट, लॉन्ग प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस कीजिए उस रेक्टेंगल के ऊपर, उसके बाद डिलीट में जाइए और उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए। अगर जो अब हम ऑटोडेस्क में तो आ गए हैं, अगर जो हम इसमें इमेज को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये देखिए सिलेक्शन टूल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये देखिए इम्पोर्ट इमेज है, इम्पोर्ट इमेज कीजिए। ये देखिए गैलरी आ गया है और आपको इम्पोर्ट करनी है कोई भी इमेज। इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं कोई भी इमेज इम्पोर्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए इमेज, और उसके बाद मैं इस पर ऐसे ही लेयर्स पे ट्राई मारता हूँ आपको शो करने के लिए। अब ये देखिए, ये मैं इसे सही निशान कर दिया हूँ और ये देखिए मैं अभी इस लेयर्स पे काम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल है इस तरह से, ये इस लेयर्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो ये अभी मैं क्लिक किया हूँ, इस पे कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसे डाउन कर रहा हूँ और मुझे इस पे एक और इमेज इम्पोर्ट करनी है, इम्पोर्ट करनी है इसमें, तो मुझे इसमें इम्पोर्ट करनी है। जी हाँ, इस फोटो के ऊपर, ये जो फोटो है इसके ऊपर मुझे इम्पोर्ट करनी है इमेज को। इसके लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये जो क्लिक है, ये इस रेक्टेंगल पे आपको क्लिक करनी है, उसके बाद इम्पोर्ट इमेज इस पर भी करनी है, इम्पोर्ट इमेज। इसके लिए कोई भी इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए ये मोबाइल ही ले लेते हैं। उसके बाद ये देखिए इमेज, ये भी इम्पोर्ट हो गया। इसको रिसाइज कर सकते हैं जितना भी बड़ा हो मेरा मन, आपका मन। और उसके बाद इसको जूम कर रहे हैं, ये देखिए जूम हो रहा है। और फिर इसको सही टिक कर देते हैं, सही टिक करके सही टिक कर दिए हैं और हमको लेयर्स पे देखना है। फिर ऐसा समझ लीजिए कि मैं ये बता रहा हूँ कि आप बैकग्राउंड चेंजिंग और किस तरह से करते हैं, ये थोड़ा ऑटोडेस्क पिक्सआर्ट से थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आप भी जानते हैं, इसलिए मैं इसे आपको सही ढंग से बता रहा हूँ किस तरह से यूज करनी है आपको। और उसके बाद ये अभी मैं इस पर क्लिक किया हूँ और इसमें मैं एक कलर चूज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बीजी कलर आपको, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर चूज करनी है, ये बैकग्राउंड कलर चूज हो गया। अब ये देखिए, मुझे इसको रिमूव करना था, ये अब रिमूव हो रहा है। ये देखिए ओपेसिटी थोड़ा कम है तो मुझे ज़्यादा ओपेसिटी करनी होगी। इसके लिए
ये ओपेसिटी को कम करने के लिए आपको ये करना होगा। उसके बाद ये देखिए अब जो है आप सही से कर पाएंगे। इसके लिए कोई अच्छा टू पेन लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया फेवरेट में से जो है, और इसके बाद कट। और अब जो ये देखिए सही ढंग से कट हो रहा है। यहाँ आप सही ढंग से शायद समझ रहे होंगे। और ये देखिए जितना हो कट उतना कर लिए, जैसे भी हो तो कट हो गया। और अगर हम चाहें कि इसे शक्ल के आगे से, मतलब ये फेस के आगे से थोड़ा साइड हो जाए, तो इसके लिए आपको आपको ये जो इमेज अभी हम कर रहे थे इसको करनी ही करनी है। और इसके बाद डायरेक्ट आपको इस पर क्लिक करनी है, ये देखिए ये। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म करनी है। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जिस तरह से आप पिक्सआर्ट या जो भी फोटो एडिटर हो उसमें आप यूज करते होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ये देखिए अभी हो रहा है ये। और उसके बाद आपने जो भी जैसे भी फिट हो गया, तो और भी मैं इसे इरेज करना चाहता हूँ तो इस पर सही क्लिक कीजिए। और उसके बाद ये देखिए मैं इसे और इरेज कर रहा हूँ जितना चाहें। और इतना होने के बाद उसके बाद यहाँ पे जाएं, और अगर जो आप इसका डुअल कॉपी करना चाहते हैं तो इस पर सिंगल क्लिक मारिए और इसका कॉपी हो जाएगा। कॉपी ये देखिए कॉपी लेयर्स हो जाएगा। सॉरी, इसको आपको डुप्लीकेट करनी है, डुप्लीकेट करनी है। उसके बाद ये देखिए तो हो गया डुप्लीकेट। और अगर आप मर्ज करना चाहते हैं ऑल लेयर्स को मर्ज करना चाहते हैं तो इस पर सिंगल क्लिक मारिए सबसे जो ऊपर है, उसके बाद मर्ज ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सब मर्ज हो गया, सब लेयर्स में एक जगह हो गए। और अगर जो आपने इसका हेयर बड़ा करना है तो आपको हेयर तो बड़ा करना पता ही होगा शायद, अगर नहीं जानते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए आपको सिलेक्ट करनी है। ओ, ये वाइट कलर से था, इसको बैक करते हैं। और हेयर को बड़ा करने के लिए इसको कलर कलर चूज करते हैं। पहले कलर चूज करने के लिए ये देखिए मैंने कलर पे क्लिक किया, और ये जो ब्रश है और ये से मैं मैन्युअली कलर चूज कर रहा हूँ। मैन्युअली कलर चूज करने के बाद आप ब्रश को रिसाइज कर दें। जी हाँ, इतना काफ़ी है। अब ब्रश को रिसाइज करके ये देखिए अब बाल जो है बड़े हो रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा हार्ड किया है इसलिए इतना खराब दिख रहा है बाल, अब जो मैं ब्रश लिया हूँ। ये देखिए बाकी बात, ये पूरी एडिटिंग के बाद आप कोई भी इमेज का अगर हेयर बड़ी करते हैं लेकिन वो पूरी एडिटिंग के बाद ही आपको अच्छी लगेगी, हाँ एडिटिंग करते वक्त नहीं। इसके लिए आपको ये तो हो गया। और आपको इसे सेव करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए। ओ सॉरी, ये देखिए इस सेव टू डिवाइस, अब ये सेव हो गया। अगर जो ऑटोडेस्क का और भी कोई ट्यूटोरियल आपको जाननी है तो आप लिंक में सॉरी वो कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे। और अगर जो कोई मिस्टेक्स हुई है तो आप बताइए कि हाँ इसमें ये कमियां रह गई, आपने ये नहीं बताया, मैं आपको पूरी ट्यूटोरियल उसका बता दूंगा अगर जो कोई प्रॉब्लम हुई तो। जी हाँ, और अगर जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।